हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन तो गाइज आज अपने अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं और स्टैंडर्ड्स में अपने आज के सेशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर करने वाले हैं तो so गाइज सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन थोड़ा सा एक बार जस्ट बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस लिए बना है वाई आर वी डूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो सबसे पहले तो ये सुनो कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज द पार्ट ऑफ फ्रेमवर्क इट इज अ पार्ट ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड इट इज अ इट इज अ गाइडेंस इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड रिकमेंडेड मेड मैंडेटरी फॉर कंपनीज बाय द कंपनीज एक्ट थर्टीन तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बेसिकली अपने को यह गाइडेंस प्रोवाइड किया गया है कि जब एंटिटीज अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम उन लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है कुछ पर्टिकुलर चीजों का ट्रीटमेंट कैसे रिकॉग्नाइज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये सब अपने को बताता है। कुछ स्पेसिफिक एरियाज जहां पर कंफ्यूजन होने का चांसेस है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त वो वो ऐसा एरियाज जहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट पॉसिबल है जहां पे थोड़ा सा डाइवर्स ट्रीटमेंट पॉसिबल है अलग अलग टाइप का ट्रीटमेंट पॉसिबल है वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कोशिश करता है कि अपने को एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या नंबर ऑफ ऑप्शन जो है ना वो कम कर दे और अपने को एक तरीका बता दे कि इसका अकाउंटिंग कैसे करना है इसका रिक्निशन मेजरमेंट प्रेजेंटेशन या डिस्कलोजर कैसे करना है सर ऐसा क्या करने का जरूरत है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने का जरूरत क्यों पड़ा तो द पॉइंट इज गाइज यहां पर जैसे मान लो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एजेंडा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना तो सबसे मेन पर्पस क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का सो दैट स्टेक होल्डर्स वेन आई से स्टेक होल्डर्स स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है बहुत बड़ा टर्म स्टेक होल्डर्स का मतलब बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी हो गया यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इनफैक्ट मोस्टली पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ही होते हैं तो अगर आपको मान लो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप उस कंपनी को कैसे जज करोगे कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा कंपनी बढ़िया है आप उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करोगे उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करके आप ये डिसीजन लोगे कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है राइट right? तो आप इसका मतलब आप कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले लेके उनको कंपेयर करोगे कंपेयर करके डिसाइड करोगे कि ये दोनों तीनों पांचों छो कंपनी में से कौन सा वाला बढ़िया कंपनी है कौन से दो कंपनी में पैसा लगाए कौन से दो कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आप इतना बड़ा डिसीजन लेने वाले हो

अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है बनाने का तरीका जो है आईटीसी का एकदम अलग है और रिलायंस का एकदम ही अलग है दोनों में कोई मैच ही नहीं है और इसके बारे में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ बताया हुआ भी नहीं है तो फिर एक स्टेक होल्डर ये कैसे डिसाइड कर पाएगा उसका जजमेंट गलत हो जाएगा वो सही तरीके से ये डिसीजन नहीं ले पाएगा कि कौन सा वाला कंपनी बेटर है कौन सा कंपनी में पैसा लगाएं वो ये जज ही नहीं कर पाएगा राइट right? तो ये जजमेंट कर पाए कि कौन सा वाला कंपनी बढ़िया है उसके लिए ये जरूरी है कि जितनी भी कंपनियां हैं वो लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है एक यूनिफॉर्म टाइप ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करते हुए यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए सिमिलर प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए यूनिफॉर्म का मतलब आईटीसी जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिनको फॉलो कर रहा है टाटा स्टील जिनको फॉलो कर रहा है वो लगभग सेम है इंडस्ट्री को देखते हुए थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होना एक अलग बात है बट नॉर्मली लगभग सिमिलर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए बने हैं यह जरूरी है तभी कंपैरिजन आप कर पाएंगे अगर बनाने का तरीका एकदम ही अलग है तो दोनों को कंपेयर करना भी बेवकूफी होगा और वो गलत होगा राइट right? सबसे इंपॉर्टेंट काम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्या है टू प्रोमोट यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाई वेरियस कंपनीज राइट तो यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो हो इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना है राइट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करता है सुनो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करता है ना चार चीज के बारे में बात करता है चार चीज के बारे में क्या क्या सर रिकॉग्निशन मेजरमेंट प्रिंसिपल डिस्क्लोज़र बस आर एम पी डी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन चार चीजों के बारे में ही बात करता है रिकॉग्निशन मेजरमेंट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बस। सर रेकग्निशन का मतलब क्या हुआ रेकोग्निशन का मतलब ये हुआ कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताएंगे ये बात कि किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को किस तरह से बुक्स में रिकॉर्ड किया जाए किस तरह से रेकग्नाइज किया जाए रेकोग्निशन का मतलब सर देखिए हम चारों वर्ड पहले लिख देते हैं रेकोग्निशन मेजरमेंट प्रेजेंटेशन तो मान लो आपने एक फिक्स्ड फिक्स एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने खरीदा एक फिक्स्ड आपने खरीदा अब उस फिक्स्ड को बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करना है किस तरह से होगा कब होगा इस चीज को लेकर के अपने को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताता है जिसको अपने बोलते हैं कब करना है रेकोगनाइज कैसे करना है रेकग्नाइज ये अपने को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गाइड करता है फिर मेजरमेंट का मतलब अमाउंट कितना रिकॉर्ड करें लिखें कितना अमाउंट उसको बोलते हैं मेजरमेंट मतलब फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट करना है फिक्स्ड असेट को अट की तरह दिखाना है बैलेंस शीट में यह बात तो बोल दी आपने को रिकॉग्निशन uh, लेकिन अमाउंट कितना दिखाएं कैलकुलेट कैसे करें व्हाट विल बी द अमाउंट दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट अब अमाउंट कितना कैलकुलेट करें यह भी अपने को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गाइड करता है अब आपने एक बार रिकॉर्ड कर दिया उसको मेजर कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको कैसे प्रेजेंट करें कैसे प्रेजेंट करें यह भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गाइड करता है उसके बाद उसके बारे में कोई एडिशनल डिस्क्लोजर देने का जरूरत है क्या नोट्स टू अकाउंट्स में इसके बारे में भी अपने को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताता है सारे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन चार चीजों के बारे में ही बात करते हैं जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना वो इन चार चीजों के बारे में ही बात करता है किसके किसके बारे में सर क्या तो रिकॉग्निशन के बारे में क्या तो मेजरमेंट के बारे में क्या तो प्रेजेंटेशन के बारे में या डिस्क्लोजर के बारे में इसको हम लोग शॉर्ट में आर एम पी डी बोलते हैं रेक मेजरमेंट प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर राइट अब सर कोई जरूरी नहीं है कि हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन चारों चीजों के बारे में बात करे बहुत सारे ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात करते हैं जो सिर्फ डिस्क्लोजर के बारे में बात करते हैं कुछ ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो खाली मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं कुछ प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं कुछ ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है जो चारों के बारे में बात करते हैं कुछ ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो चार में से किसी दो के बारे में बात करते हैं राइट right? तो किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन चार चीजों के बारे में ही बात करेंगे कि अलग 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 टाइप का जो ट्रांजैक्शंस होता है उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है कैसे मेजर करना है कैसे प्रेजेंट करना है और कैसे डिस्क्लोज करना है ठीक है तो गाइज आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन का नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन का नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज अब देखो कभी भी आप जब भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ो ना तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम को अच्छे से पढ़ लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम ही आपको आधा बात तो बता देता है अगर आप नाम को ठीक से पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस बारे में बातचीत होने वाला है ठीक है तो यहां पे देखो नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज ओके डिस्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज तो बताओ आप लोग बताएंगे मैं नहीं बताऊंगा आप लोग बताओगे कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चार में से कौन सा वाला बात होने वाला है रिकॉग्निशन मेजरमेंट प्रेजेंटेशन या डिस्कलोजर कौन सा क्या चारों बात होगा या एक पे फोकस रहेगा सर हो सकता है कुछ और बात भी हो जाए बट इधर फोकस क्या है फोकस है डिस्क्लोजर मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन बात करने वाला है फोकस करने वाला है क्या चीज के ऊपर डिस्क्लोजर के ऊपर रिकॉग्निशन के ऊपर नहीं मेजरमेंट के ऊपर नहीं प्रेजेंटेशन के ऊपर भी नहीं डिस्क्लोजर के ऊपर बात करने वाला है डिस्क्लोजर ऑफ वॉट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज अब सर अपने बातचीत करें डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज का उसके पहले अपने को यह बात समझ में आना चाहिए कि व्हाट आर अकाउंटिंग पॉलिसीज व्हाट आर अकाउंटिंग पॉलिसीज अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होते हैं सुनो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या होते हैं ध्यान से सुनना अकाउंटिंग पॉलिसीज़ आर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो एंटिटी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त फॉलो करने वाला है एंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है सर दो बात याद रखना अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो सर इसके बारे में अपने डिटेल में बात करेंगे क्या होता है सुनो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं

कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा फीफो मेथड से करेगा कि वेटेड एवरेज मेथड से करेगा यह भी उसका काउंटिंग पॉलिसी है उसको यह बात भी सेलेक्ट करना पड़ेगा सर एंटिटी टू एंटिटी डिपेंड करता है कि उस एंटिटी के लिए क्या सुटेबल है उस एंटिटी का ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे दिखेगा हो सकता किसी -किसी है किसी किसी एंटिटी का फीफो मेथड बेटर है किसी एंटिटी के लिए वेटेड एवरेज बेटर है राइट right? तो एंटिटी को ये सेलेक्ट करना पड़ता है कि वो जब अपना इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेगा स्टॉक का वैल्यूएशन करेगा तो वैल्यूएशन करते समय उसको करना पड़ेगा. करने का अलग -अलग तरीका है उसको अप्लाई करने के लिए भी वो कुछ तरीका फॉलो करेगा राइट right? ये जो चीज है ना ये एंटिटी स्पेसिफिक हो सकता है ये हो सकता है आईटीसी का अलग तरीका है हो सकता है इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अलग तरीका है हो सकता है टाटा स्टील का अलग तरीका है राइट? तो ये मेथड फॉलो कर रहे हैं मेथड ऑफ एप्लाइंग इसको बोलते है, एक, एक हैं अकाउंटिंग पॉलिसी दिस इज अकाउंटिंग पॉलिसी आपको एक एग्जाम्पल दिए कि अकाउंटिंग पॉलिसी किसको बोलते हैं जितना भी आप प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, तो वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का तरीका मेथड ऑफ अप्लाइंग दो प्रिंसिपल्स इट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पॉलिसी सबसे पहले तो यही समझो कि अकाउंटिंग पॉलिसी का क्या मतलब होता है राइट right? अब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है ठीक है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करेंगे किस पॉइंट ऑफ टाइम पे करेंगे इसको लेकर के भी पॉलिसी हो सकता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी और वो चीज आप वो, आपका जो प्रिंसिपल आपका जो पॉलिसी है प्रिंसिपल है उसको आप अप्लाई करने के लिए कौन सा तरीका एडॉप्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं ये दोनों को मिलाकर के बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो आपको बेटर क्लैरिटी आएगा सुनो पहले मेरे साथ में पढ़ते चलना मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड द मेथड ऑफ एप्लाइंग दो प्रिंसिपल एडॉप्टेड बाई एन एन टी टी फॉर द प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका एग्जाम्पल देखो एकदम अच्छे से बात समझ में आएगा एक्साम्पल ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज स्टॉक वैल्युएशन पॉलिसी जो हम आप लोग डिटेल में एक्सप्लेन किए ना स्टॉक वैल्युएशन का क्या पॉलिसी है तो आपको पहले बताना पड़ता है एनटीटी को स्टॉक वैल्यूएशन पॉलिसी इज कॉस्ट और नेट रियालाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर फॉर दिस पर्प द कॉस्ट इज कैल्क्युलेटेड बाई फीफो मेथड देन फीफो मेथड कैसे आपने अप्लाई किया है इसको भी अपने बोलते हैं स्टॉक वैल्यूएशन पॉलिसी सो दिस इज वन पॉलिसी एंड इट कैन चेंज फ्रॉम एंटिटी टू एंटिटी दूसरा एंटिटी बोल सकते हैं हम वेटेड एवरेज मेथड लगाते हैं करेक्ट या फिर सर इसको बोल लो आप देखो हम यहां पर ना इसके बारे में इसके बारे में डिटेल में अपने पता है कहां पढ़ते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू में पढ़ते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कॉस्ट क्या होता है सर बोरोइंग तरह का फाइनेंस कॉस्ट कॉस्ट हो गया। फाइनेंस का मतलब सर इंटरेस्ट वगैरह का खर्चा इंटरेस्ट वगैरह का खर्चा अपना एक अकाउंटिंग है. है, है उसका नाम ही है कॉस्ट का, मतलब का बेटर आप अगर एकदम इजी तरीके से जानना चाहते हो तो सर इंटरेस्ट वगैरह का खर्चा अब इंटरेस्ट वगैरह का खर्चा को आप कैसे ट्रीट करते हैं इंटरेस्ट वगैरह का खर्चा को आप कैसे ट्रीट करते कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कैसे मेजर करते हैं इस बारे में बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन बताता है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी बताइए कि बोरिंग कॉस्ट को आप किस तरह से ट्रीट करते हैं खाली ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इसको अच्छे से समझो थोड़ा देखो अपने को 16 बताता है कि बोरइंग कॉस्ट शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे समझो इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा दिखा देना चाहिए लेकिन अगर इंटरेस्ट का खर्चा हुआ है अगर इंटरेस्ट का खर्चा हुआ है फॉर अ क्वालिफाइंग असेट फॉर अ क्वालिफाइंग असेट इन दैट केस ट अगर है तो इंटरेस्ट का खर्चा को उस अट के कॉस्ट में एड कर सकते हैं जैसे एग्जाम्पल सर मान लो आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग इज अ सर व्हाट डू मीन बाय अट का मतलब कोई ऐसा असेट जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है जिसको बनाने में क्वालिफाइंग असेट का मतलब एक ऐसा असेट जिसको बनाने में एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है तो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिक्सटीन क्या बोलता है कि अगर कोई ऐसा असेट है जिसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है तो इसका मतलब वो क्वालिफाइंग असेट हो गया और उस क्वालिफाइंग असेट को बनाने के लिए अगर आप कोई लोन लेकर के रखे हैं उस लोन के ऊपर आपका जो इंटरेस्ट का खर्चा लगता है ना वो इंटरेस्ट का खर्चा को आप उस बिल्डिंग के कॉस्ट में एड कर सकते हैं राइट ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिक्सटीन अलाउ करता है हम फिर से इस बात को एकदम शॉर्ट में रिपीट कर रहे हैं

तो अगर आप वो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग के लिए अगर कोई लोन लेकर के रखे हैं उस लोन के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट का खर्चा लग रहा है तो उस इंटरेस्ट का खर्चा को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मत डालिए उसको उसके कॉस्ट में बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड कर दीजिए मतलब आप ये वाला इंट्री देखो, ये वाला वाला एंट्री एंट्री देखो इंटरेस्ट टू बैंक का एंट्री हुआ और फिर पीएल नहीं पीएल टू इंटरेस्ट नॉर्मली क्या करते हैं पीएल टू इंटरेस्ट लेकिन अगर क्वालिफाइंग का सेट है ना तो पीएल में मत डेबिट करिए आप बिल्डिंग में डाल दीजिए इसके बारे में ज्यादा डिटेल में कहा पढ़ाई होता है सर इसके बारे में बहुत डिटेल में सर इतना सा बात एनफ नहीं है इसके बारे में अपने को इसके इर्द गिर्द और बहुत सारा नॉलेज जानने का जरूरत है जो कि पता चलता है काउंटिंग स्टैंडर्डीन में ठीक है तो सर ए एस वन में हम लोगों को क्या करना है ए एस वन में ना ये डिस्कलोज करना पड़ता है क्या डिस्कलोज करना पड़ता है ये बात कि इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू चार्ज द बोरिंग कॉस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हाउ इफ द बोरिंग कॉस्ट इज इनकर्ड फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग असेट देन दैट बोरिंग कॉस्ट इज कैपिटलाइज यह आपको बताना पड़ता है राइट right? अब यह वाला अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए आपने कौन से मेथड अप्लाई किए यह भी आपको बताना पड़ता है वॉट आर अकाउंटिंग पॉलिसीज अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या हुआ सर कि बोरिंग कॉस्ट सर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यह अकाउंटिंग पॉलिसी है एंड इफ द बोरिंग कॉस्ट इज इंकर्ड

गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेल्व डिटेल में बात करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेल्व है जो गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में बात करता है उसमें बताता है कि अलग अलग टाइप का गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है अगर आप कोई बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री बिठाएंगे तो उसके लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है अगर आप कोई ऐसा प्लांट एंड मशीनरी लेंगे जिससे कि मान लो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लांट एंड मशीनरी है थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है तो उससे आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाता है गवर्नमेंट से सब्सिडी वगैरह मिल जाता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है यह बात कौन बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेल्व बताता है और भी बहुत तरह का गवर्नमेंट ग्रांट होता है अलग अलग टाइप का जो गवर्नमेंट ग्रांट होता है उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए यह कौन बताता है ए एस ट्वेल्व बताता है तो सर ए एस वन क्या बोलता है ए एस वन बोलता है कि आपको अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ग्रांट्स आर क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गवर्नमेंट ग्रांट आर शोन इन द बैलेंस शीट फिर उसका बाद में क्या करते हैं कैसे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता भी है कि नहीं जाता है गवर्नमेंट ग्रांट आर डिडक्टेड फ्राम द कॉस्ट ऑफ दिसक्लोज करो दिस इज अकाउंटिंग पॉलिसी राइट आप गवर्नमेंट ग्रांट का किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे आपका क्या पॉलिसी है राइट right? अब अभी अपने उसका बात कर रहे हैं

अकाउंटिंग पॉलिसी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं तो वो बनाते वक्त आपने कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो किया है और उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए आपने कोई मेथड अप्लाई किया है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी करेक्ट सर हम लोग को समझ में आया अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है अब इसको इसका डिस्क्लोज करने का क्या नेसेसिटी है डिस्क्लोज करने का क्या नेसेसिटी है अब आप बताओ आप आई का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हो आप बैलेंस शीट देख रहे हो स्टेटमेंट ऑफ पीएल देख रहे हो आपको उसका बैलेंस शीट उसका पीएल उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट को अच्छे से समझने के लिए आईटीसी का बैलेंस शीट को समझने के लिए पीएल को समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि आईटीसी ने क्या पॉलिसी फॉलो किया है आईटीसी का सर आईटीसी सिगरेट भी बनाता है आईटीसी एफ में भी है आईटीसी पेपर वर्क में पेपर uh, बिजनेस में भी है पेपर बोर्ड बिजनेस में भी है आई गारमेंट बिजनेस में भी है तो आपको यह जानना जरूरी है कि भाई वो सिगरेट बिजनेस में अपना रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करता है आई होटल बिजनेस है होटल बिजनेस में अपना रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करता है यह बात आपको जानना जरूरी है नहीं तो आप प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी कर ही नहीं पाएंगे इट right? तो अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्कलोज करने का क्या जरूरत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्कलोज करने का जरूरत है क्यों जरूरत है सर क्योंकि एक यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझ पाए उसके लिए ये नेसेसरी है तो यहां पर यही बोल रहा है कि वॉट इज द नेसेसिटी ऑफ डिस्कलोजर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू हेल्प द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन टेकिंग एन इनफॉर्म्ड डिसीजन एक यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक इनफॉर्म डिसीजन ले सके ठीक से वो स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझ पाए इसके लिए ये जरूरी है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या क्या फॉलो किया गया है ये ये उसको उसको पता चले ये उसको पता चलेगा, कैसे चलेगा, जब अकाउंटिंग अच्छा, किसको बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्शन फंडामेंटल अकाउंटिंग इसको अपने फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पन्स फंडामेंटल अकाउंटिंग एजमशन वो प्रिंसिपल्स है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है जो ये अज्यूम कर लिया जाता है कि ऑब्वियसली आप फॉलो किए ही होंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग आर प्रिंसिपल्स इज प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यू नीड नॉट डिस्कलोज इट सेपरेटली अभी अभी अपने क्या बोले अभी अभी अपने क्या बोले कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन अपने को पता है क्या बोलता है ए एस वन बोलता है कि एंटिटी सुनो तुम ना अपना सारा का सारा अकाउंटिंग पॉलिसी एक साथ बताओ कि तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त अपना बैलेंस शीट अपना पीएल अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त तुमने कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है कौन से अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो किया है वो हम लोग को बता दो डिस्कलोज कर दो ठीक है फिर एक तरफ आया फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पन जिसका मतलब क्या होता है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्शन का मतलब कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि ऑब्वियस बात है कि तुमने फॉलो किया ही होगा यह तुमको बताने का जरूरत नहीं है यह तो हम लोग अज्यूम करके बैठे हैं कि तुमने अप्लाई किया ही होगा अगर तुमने यह फॉलो नहीं किया है तब हम लोग को अलग से बताओ अगर तुमने फॉलो नहीं किया है तो अलग से बताओ सर ऐसा कौन कौन सा है देखो एक बार पहले फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पन का मतलब क्या है सर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पन्स आर दोज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स विच आर अज्यूम्ड टू हैव बीन फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक बार इसके बारे में क्लास नोट आप लोग लिखोगे लिखो हेडिंग दो फंडामेंटल अकाउंटिंग एम्शन्स दो प्रिंसिपल Assumed to have been followed while preparing the financial statements. It is not. Required to be disclosed in the financial statements. There are <clears throat> three fundamental. Accounting assumptions. There are three fundamental accounting assumptions. Kya kya? Going concern, consistency, accrual. If these principles are not followed, then the separate disclosure is required. बस देखो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं सुनो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्शन किसको बोलते हैं सर fundamental accounting assumptions are those principles which are assumed to have been followed while preparing the financial statements it is not required to be disclosed in the financial statements separately there are three fundamental accounting assumptions kya -kya? going concern consistency accrual if these principles are not followed then the separate disclosure is required hai? sir there are three fundamental accounting assumptions kya -kya? he going concern मतलब एक स्टेक होल्डर एक यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है बैलेंस शीट पीएल देखता है तो वो एज्यूम करके देखता है कि बात है कि सब आता है ये ये बिजनेस तो तो एंटिटी गोइंग कंसर्न ही होगा बात आपको अलग से डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है कि आप गोइंग कंसर्न हो राइट ये बात आपको अलग से डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है कि आप गोइंग right? कंसर्न हो ये बात आप गोइंग कंसर्न ही होंगे हाँ, लेकिन अगर आप गोइंग कंसर्न नहीं हो अगर गोइंग कंसर्न अजम्शन में क्वेश्चन मार्क है तब फिर आप ये बात डिस्क्लोज करिए इफ यू आर नॉट अ गोइंग कंसर्न देन सेपरेट डिस्कलोजर इज रिक्वायर्ड अब पता है क्या होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का बेसिस ही चेंज हो जाता है फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो रियलाइजेबल पेबल वैल्यूज पर राइट right? आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हुए फिर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते ही नहीं हो अगर गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं होता है तो राइट right? बट अभी हम यहां पर सर AS1 में क्या बोलना चाह रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन में हम ये बोलना चाह रहे हैं कि गोइंग कंसर्न इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग इट दैट स्टडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी स्टेक होल्डर अज्यूम्स दैट इट इज अ गोइंग कंसर्न दिस एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न यू नीड नॉट डिस्क्लोज इट सेपरेटली हाउएवर If you are not यू आर नॉट अ गोइंग कंसर्न देन Then इट सेपरेटली देन separately. Similarly, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी का क्या मतलब हुआ कि आप जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहे हो आप ईयर ऑन ईयर हर साल बार बार आप सेम सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो कर रहे हो मतलब आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि आप एक बार कॉस्ट मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूशन लगाते हो और फिर अगले साल आप फीफो मेथड लगा लेते हो एक साल आप रेवेन्यू रेक रिक्शन का पॉलिसी आपका कुछ और है नेक्स्ट ईयर आपका रेवेन्यू का पॉलिसी कुछ और हो जाता है राइट right? आप ऐसा नहीं कर रहे हो आप हर साल बार बार अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को बात ना जब यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखता है तो अज्यूम करके बैठता है कि पिछले साल जो अकाउंटिंग पॉलिसी लगा था वही करंट ईयर में भी लगा होगा वो ये अज्यूम करके बैठता है और ये बात आपको बताने का जरूरत नहीं है कि आपने कंसिस्टेंटली अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो किया है हाँ। लेकिन अगर आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया है तो इसके बारे में अलग से डिस्क्लोजर दीजिए अगर आपने कोई भी अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया है तो अब इसके बारे में आप सेपरेट डिस्क्लोजर दीजिए कि आपने इस अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया है पहला बात तो अपने अकाउंटिंग पॉलिसी ना ऐसे चेंज कर ही नहीं सकते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने का तीन रीजन में से कोई एक रीजन होना चाहिए तभी आप चेंज कर सकते हैं नहीं तो अकाउंटिंग पॉलिसी आप चेंज कर ही नहीं सकते हैं वो भी हम अभी बता दे रहे क्या है सुन लो सेम सेम सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फॉलोड फ्रॉम ईयर टू ईयर राइट हाउएवर इज इट पॉसिबल दैट अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज इट इज पॉसिबल वेन सर इन इन थ्री सिनारियोज ज अ चेंज इन द लॉ स्टेट्यूड चेंज हो गया लॉ में कोई बदलाव आ गया जिसके वजह से पुराना वाला अकाउंटिंग पॉलिसी अब फॉलो करना पॉसिबल ही नहीं है वो गलत हो गया है तो अब आपको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना पड़ गया लॉ के वजह से दूसरा देर इज अ चेंज इन दो टू कंप्लाई विद द चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यू हैव टू चेंज योअर अकाउंटिंग पॉलिसी तीसरा देर इज नो चेंज इन लॉ देर इज नो चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बट बेटर प्रेजेंटेशन एंड टू शो दू एंड फेयर व्यू ऑफियल स्टेटमेंट इट इज दॉलिस को चेंज करना है तो थर्ड वाले कैटेगरी में फॉल कर जाएगा और अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर लेगा अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना पॉसिबल है क्या द आंसर इज ये इट इज पॉसिबल कब तीन सिनारियों में अगर कोई चेंज इन लॉ है अगर कोई चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अगर कोई Uh, for to disclose the financial statements in a better manner and for true and fair view, तो इन तीन अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना पॉसिबल है इन दैट केस अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया है तब आप उसके बारे में सेपरेट डिस्क्लोजर दीजिए और नहीं तो हम लोग ये अज्यूम करके बैठे हैं कि आप सेम सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किए हैं फ्रॉम ईयर ऑन ईयर और यह बात आपको बताने का जरूरत नहीं है कि आप सेम सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं ईयर ऑन ईयर फंडामेंटल right? अकाउंटिंग है तीसरा अक्रूवल कॉन्सेप्ट हम लोग तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करते वक्त यहूम करके रखते हैं कि आप अक्रूवल कॉन्सेप्ट ही फॉलो किए होंगे कैश बेसिस थोड़ी ना फॉलो किए होंगे लेकिन अगर आप कहीं पे भी अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किए तब इसके बारे में सेपरेट डिस्क्लोजर दीजिए

अच्छा अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया जा सकता है क्या अभी अभी हम बात किए चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी अडोप्टेड इफ सच चेंज इज रिक्वायर्ड बाई एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अ स्टैट्यूट दैट इज लॉ फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज फॉर बेटर ट्रू एंड फेयर व्यू इसको छोड़ करके अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया ही नहीं जा सकता ओके फॉर एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी फैक्ट ऑफ द चेंज एंड इट इफेक्ट शुड बी डिस्कलोज टू द एक्सटेंट एस सर्टेनेबल वेयर सच अमाउंट इज नॉट एस सर्टेनेबल द फैक्ट ऑफ अनएसटेनेबिलिटी शुड बी डिस्कलोज मतलब अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हो ना तो आपको यह बताना पड़ता है कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया है और इस अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज के वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिन... क्या क्या इफेक्ट आया है कौन से कौन से आइटम में कितना कितना अमाउंट का इफेक्ट आया है ना ये डिस्क्लोज करना पड़ता है अगर आप ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन से आइटम में कितना अमाउंट का चेंज आया है अगर आप ये नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो ये वाला फैक्ट बताइए कि आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं फिर से मेरे साथ में लाइन पढ़ना क्या बोल रहा है फॉर एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी फैक्ट ऑफ द चेंज फैक्ट ऑफ द चेंज की यह बताइए कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया है एंड इट्स इफेक्ट शुड ऑल्सो भी डिस्कलोज उसका इफेक्ट बताइए फाइनेंशियल इफेक्ट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो भी बताइए टू द एक्सटेंट एसटेनेबल जहां तक आप मेजर कर सकते हैं वो बताइए वेर सच अमाउंट इज नॉट एसटेनेबल जहां पर वो इफेक्ट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है द फैक्ट ऑफ अनएसरटेनेबिलिटी शुड बी डिस्कलोज आप बताइए कि आप एसरटेन नहीं कर पा रहे हैं आप अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं यह भी बताना जरूरी है ओके अब बताओ आप जब अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करते हो तो आप किन बातों का ध्यान रखते हो कोई भी एंटिटी कोई भी एंटिटी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त अपना अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करता है सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी आप लोग लिख रहे हो सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी करते वक्त प्राइमरी कंसिडरेशन आपको देना पड़ता है प्राइमरी कंसिडरेशन का मतलब सबसे ऊपर किस बात को रखना पड़ता है सबसे पहले किस बात को ध्यान में रखना पड़ता है अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करते वक्त प्राइमरी कंसिडरेशन ध्यान से समझो आप जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि इन्वेंट्री uh, कैसे कैलकुलेट करें कॉस्ट मेथड से स्ट मेथडी मेथड इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करे फीफो uh, मेथड या वेटेड एवरेज मेथड सेलेक्ट करना पड़ता है ये सिलेक्शन आप कैसे करेंगे आपको रेवेन्यू कैसे रिकोगनाइज करना है आपको तो सेलेक्ट करना पड़ेगा ये आप सिलेक्शन कैसे करते हैं फिक्स्ड फिक्सड्स को वैल्यू करना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स्ड फिक्सड्स को वैल्यू करना है तो कैसे वैल्यू करें ये आपको डिसाइड करना है सेलेक्ट करना है कैसे डिसाइड करेंगे सेलेक्शन कैसे करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी का सेलेक्शन कैसे करेंगे जब आप अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना तो सबसे पहले सबसे ऊपर रखो प्राइमरी रखो ट्रू एंड फेयर व्यू प्राइमरी कंसिडरेशन क्या है ट्रू एंड फेयर व्यू वॉट डू मीन बाई ट्रू एंड फेयर व्यू ट्रू एंड फेयर का मतलब होता है जो जैसा है और जो जितना है आप वैसा ही और उतना ही बता रहे हैं कुछ भी आप ज्यादा या कम नहीं बता रहे हैं कोई भी बात को आप छुपाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं आप एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं जो जैसा है बस एकदम वैसा बता रहे हैं उसको बोलते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू आप बायस्ड नहीं है आप ट्रू है और फेयर है ट्रू एंड फेयर सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो यूजर है उसको एकदम सच सच बात एकदम सही सही बात का पता चल पाए तो आप अपना अकाउंटिंग पॉलिसी को जब सेलेक्ट कर रहे हैं ना तो सबसे पहले सबसे ऊपर इस बात को ध्यान में रखिए कि आपको अकाउंटिंग पॉलिसी ऐ, ऐसा सेलेक्ट करना है जो आपके कंपनी के बारे में जो सच बात है उसको दिखा पाए आपके कंपनी को देखते हुए अगर फीफो मेथड सही है तो फीफो मेथड ही सेलेक्ट करो आपके कंपनी को आपके एंटिटी को आपके बिजनेस को देखते हुए वे, अगर वेटेड एवरेज सही है तो वेटेड एवरेज बताओ मान लो आपका आपका ऐसा है कि आपका बिजनेस का नेचर इस तरह का है कि जो गुड्स पहले आता है पहले वही बिकता है तो आपके लिए फीफो मेथड बेटर हो गया या फिर आपका मान लो इन्वेंट्री का नेचर इस तरह का है कि गुड्स गोडाउन good में पड़ा रहता है और कोई भी आइटम में से कुछ भी सेल हो सकता है कोई जरूरी नहीं जो पहले आया वही सेल हो तो उस केस में हो सकता है आपके लिए वेटेड एवरेज बेटर हो तो आप जब अपना अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट कर रहे हैं ना तो ऐसा अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करिए जो आपके बिजनेस का सच सच बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर को बता दे सबसे ऊपर इस बात को ध्यान में रखना है और आप इस बात का ध्यान रख पाए इसके लिए कुछ सेकेंडरी कंसिडरेशन का ध्यान रखना राइट ट्रू एंड फेयर व्यू को आप ध्यान रख पाए उसके लिए सेकेंडरी कंसिडरेशन का ध्यान रखना सेकेंडरी कंसिडरेशन सेकेंडरी कंसिडरेशन में क्या है सर तीन चीज है तीन चीज देखो क्या क्या मटेरियालिटी प्रूडेंस सब्सटेंस ओवर फॉर्म मटेरियालिटी प्रूडेंस सबस्टेंस ओवर फॉर्म तो अब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन क्या बोल रहा है कि देखो आप जब अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करें ना तो सबसे ऊपर प्राइमरी कंसिडरेशन किस चीज को रखो ट्रू एंड फेयर व्यू को लेकिन आप ट्रू एंड फेयर व्यू कर पाओ आप ऐसा अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट कर पाओ कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर दिखे इसके लिए आप तीन चीजों का सहारा ले लो तीन सेकेंडरी कंसिडरेशन का सहारा ले लो सर क्या है वो तीन सेकेंडरी कंसिडरेशन बोला अगर आप ये तीन सेकेंडरी कंसिडरेशन का सहारा ले लेंगे ना अगर आप ये तीन सेकेंडरी कंसिडरेशन को ध्यान रख लेंगे ना तो आप एंड फेयर व्यू के क्लोज चले जाओगे पहला क्या है मटेरियालिटी मटेरियालिटी का मतलब क्या हुआ आप जब अपना काउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट कर रहे हैं ना तो आप इस बात को ध्यान में रखो कि वजह से कोई मटेरियल इफेक्ट पड़ेगा क्या मटेरियालिटी का मतलब क्या होता है मटेरियालिटी का मतलब वो अमाउंट जिसके वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर अपना डिसीजन बदल दे मटेरियालिटी का मतलब मटेरियल किसको बोलते हैं मटेरियल इन्फ्लूस द डिसीजन मेकिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर बोला कि आपको कोई पर्टिकुलर आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज कर देना चाहिए कि एक्सपेंस में दिखा देना चाहिए एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं ये प्रिंसिपल ये पॉलिसी जब आप अप, अपना सेलेक्ट कर रहे हो ना तो देखना कि इसका मटेरियलिटी कितना है अमाउंट कितना है अब देखो बोलने को ये कैलकुलेटर बोलने को ये कैलकुलेटर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के डेफिनेशन में आ सकता है असेट के डेफिनेशन में आ सकता है इसका बेनिफिट आपको एक साल से ज्यादा के लिए मिलने वाला है for more than one accounting period. तीन साल से हम यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आए दिन ये कैलकुलेटर खरीदते नहीं रहते हैं राइट इट इज सर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया ये तो लेकिन सर अमाउंट कितना तीन सौ रुपए का कैलकुलेटर है अब इसको एक की तरह दिखाना क्या सही होगा मटेरियलिटी ग्राउंड पर तीन सौ रुपया से सर कोई फर्क नहीं पड़ता है टर्नर को देखते हुए प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए तीन सौ रुपया का कैलकुलेटर को आप प्लीज एक्सपेंस में डाल दीजिए स्टेशनरी में डाल दीजिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नाम का खर्चा में डाल दीजिए राइट ये जो सिलेक्शन हुआ ये जो हम अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट किए ये क्या चीज को देखते हुए किए ये हम देखते हुए किए मटेरियालिटी को देखते हुए अगर बाई डेफिनेशन जाए तो शायद ये असेट है बाई डेफिनेशन अगर हम जाए तो शायद इसको बैलेंस शीट में असेट की तरह दिखाना चाहिए तीन सौ रुपया का कैलकुलेटर असेट राइट लेकिन सर मटेरियलिटी को ध्यान में रखें जब हम अपना अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम मटेरियलिटी को ध्यान में रख रहे हैं और मटेरियलिटी को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट कर रहे हैं जो ट्रू एंड फेयर व्यू दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ठीक है सर मटेरियलिटी का मतलब समझ में आया दूसरा बात प्रूडेंस वॉट डू मीन बाई प्रूडेंस प्रूडेंस का मतलब बींग प्रूडेंस प्रूडेंस का मतलब होता है सर रिकोगनाइज द एंटीसिपेटेड लॉसेस इग्नोर द एंटीपेटेड गेन्स बट पता है प्रूडेंस को अपने बहुत ज्यादा दिल से नहीं लगाना चाहिए क्योंकि अपने आगे आने वाले टाइम पर देखेंगे कि बहुत जगह आपको ऐसा लगेगा कि प्रूडेंस के हिसाब से तो ये होना चाहिए था बट अपने को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फर्दर आगे जाकर के इंडिया में जब आप पढ़ोगे तो देखोगे नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता प्रूडेंट्स देखो प्रूडेंस का मतलब होता है कंजर्वेटिव होना प्रूडेंस का मतलब ये नहीं होता कि कुछ गलत दिखा दो आप जो है ही नहीं वो भी दिखा दो राइट right? जैसे एक छोटा चो, एक सा एग्जांपल मान लो आपको मालूम है एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च यू नो कि आप आने आगे आगे आने वाले साल में आप सैलरी का खर्चा देंगे राइट एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च यू नो कि आपको आने वाला अप्रैल मंथ का सैलरी देना है तो ये तो आपको आज ही पता है तो क्या ये सैलरी का खर्चा आप आज ही दिखा देंगे क्या एंटीसिपेटेड एक्सपेंस रिकॉर्ड नाउ नहीं सर फालतू बात एकदम राइट right? यहां पर आपको ट्रू एंड फेयर व्यू को तो ध्यान में रखना पड़ेगा ट्रू एंड फेयर व्यू को हेल्प करने के लिए प्रूडेंस है ट्रू एंड फेयर व्यू को हेल्प करने के लिए प्रूडेंस है बोला जहां पर आप आज के दिन यह एस्टिमेट कर पा रहे हैं आज के दिन यह एस्टिमेट कर पा रहे हैं कि अभी तक का जो इवेंट हो चुका है पास्ट इवेंट के वजह से आपका कोई नुकसान है मतलब जैसे एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च आपको मालूम है कि आपके बैलेंस शीट में पांच लाख रुपया डेटर्स दिख रहा है बट आपको मालूम है कि इस पांच लाख रुपया में दस हजार का डेटर रिकवरेबल नहीं है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना लेना पीबीडीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना लेना यह प्रूडेंस है यह प्रूडेंस है यह कंजर्वेटिजम है राइट right? इवन ये जो अपने करते हैं ना इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और भी कम है तो उस चीज का नुकसान को आज ही बुक कर लो तो आप इन्वेंट्री को दिखाते हो रियलाइजेबल वैल्यू पर और अपने आप ही आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाता है एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखो यहां पर समझने का कोशिश करना मान लो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो यहां पर आप क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हो क्लोजिंग स्टॉक का से, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट है पांच नेट रियलाइजेबल वैल्यू है चार सौ पचास है? तो अगर आप यहां पर 500 दिखा दोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर आप यहीं पे 450 दिखा दोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट घट जाएगा करेक्ट है तो देखो ये भी तो ही है एज ऑन 31 मार्च इफ यू कैन एस्टीमेट दट दिस इन्वेंट्री विल नॉट गिव यू द कॉस्ट ऑल्सो मतलब इस इन्वेंट्री की वजह से आगे आने वाले अप्रैल मंथ में मे मंथ में, में लॉस होने वाला है उस लॉस को आप आज ही रिकॉर्ड कर दिए आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट को कम कर दिए दिस इज ऑल्सो प्रूडेंस तो प्रूडेंस क्या है प्रूडेंस इज रेकनाइज द एंटीसिपेटेड लॉसेज इग्नोर द एंटीसिपेटेड गेन अब आगे आने वाले टाइम पर आप इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू मान लो छह सो है तो क्या आप इन्वेंट्री छह सौ में दिखा देंगे नहीं सर आप इसको इग्नोर कर देंगे आप यहां पे इन्वेंट्री 500 पे दिखा देंगे इग्नोर द गेन गेन को आपने इग्नोर कर दिया लेकिन अगर एंटीसिपेटेड लॉस है तो उसको आपने रिकॉर्ड कर दिया आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट गाइज एक बार फटाफट से मेरे को कंफर्म कर देना क्या यहां तक हम लोग एकदम कंफर्टेबल और एकदम सही चल रहे हैं क्या आप लोग को यहां तक एकदम हंड्रेड क्लैरिटी है फटाफट से कंफर्म सर प्रूडेंस का मतलब भी समझ में आया प्रूडेंस इज जस्ट कंजर्वेटिज्म ठीक है अच्छा सब्सटेंस ओवर फॉर्म दिस इज इंपॉर्टेंट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनो सब्सटेंस ओवर फॉर्म सब्सटेंस ओवर फॉर्म का एकदम सिंपल अर्थ है कि जो जो जैसा दिख रहा है कोई जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो राइट right? आप जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे ना तो कोई चीज कैसा दिखता है उस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो इंपॉर्टेंस उस बात को दो कि क्या रियलिटी है इसको अगर टैगलाइन में बोले तो रियलिटी ओवर लीगैलिटी रियलिटी ओवर लीगैलिटी बोला लीगल फॉर्म में क्या दिख रहा है लीगली वो क्या दिख रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है रियलिटी में क्या है वो बताओ परदे के पीछे की बात बताओ जो छुप गया है पर्दे से हम लोग को खाली वही मत दिखाओ राइट जो जैसा दिखता है कोई जरूरी नहीं है वैसा ही हो सर एग्जाम्पल बताइए सुन सुन लो, सुन लो। हम आपसे एक असेट खरीदे हम आपसे एक असेट खरीदे तीन लाख रुपया का असेट है हम आपको बोले कि देख भैया तीन लाख रुपया हम अभी नहीं दे पाएंगे एक बार में हम नहीं दे पाएंगे ठीक है हम आपको ये बोले कि हम आपको इंस्टॉलमेंट में देंगे आगे आने वाला तीन साल में हम इंस्टॉलमेंट में देंगे एक लाख रुपया प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट दे देंगे सेकंड ईयर में एक लाख रुपया प्लस इंटरेस्ट दे देंगे दूसरे साल में एक लाख रुपया प्लस इंटरेस्ट दे देंगे राइट right? यह असेट मेरे को खरीदना है इस असेट का लाइफ ही तीन साल रुपया एक प्लांट एंड मशीनरी है जो आपके पास है मेरे को खरीदना है हम आपसे खरीद रहे हैं बट क्योंकि हम तुरंत तुरंत पैसा नहीं दे पा रहे हैं हम अभी इमीजिएटली पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो हम आपके साथ एक अग्रीमेंट में एंटर किए उस अग्रीमेंट के तहत क्या हो रहा है कि हम आपको तीन लाख रुपया तीन साल में देंगे पहला साल के एंड में एक लाख रुपया दूसरा साल के एंड में एक लाख रुपया तीसरा साल के एंड में एक लाख रुपया और तीनों साल में इंटरेस्ट का अमाउंट भी देंगे एक इंटरेस्ट इंटरेस्ट डिसाइड हो गया भी दे देंगे पर एनम से फॉर एग्जांपल तो पहला साल में हम आपको एक लाख रुपया तो प्रिंसिपल का देंगे और तीन लाख रुपया के ऊपर दस परसेंट थर्टी का इंटरेस्ट भी देंगे राइट ईयर में एक लाख रुपया प्रिंसिपल का देंगे और अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट दो लाख था उस दो लाख के ऊपर दस परसेंट बीस हजार रुपया इंटरेस्ट का देंगे राइट ऐसा अपना डील हुआ उस अट का लाइफ ही तीन साल है उस असेट का लाइफ ही तीन साल है अब वो असेट का पूरा बेनिफिट कौन लेने वाला है उस अट का एकदम नया नया नयाट है आप खरीदे और मेरे को दे दिए अब उस असेट का पूरा बेनिफिट उसका पूरा इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ का बेनिफिट कौन लेने वाला है आई एम गोइंग टू टेक द बेनिफिट ऑफ दैट असेट उस अग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि आप असेट का ओनरशिप मेरे को ट्रांसफर नहीं किए हैं का ओनरशिप किसके पास है आप ही के पास है तो एक तरह से अग्रीमेंट पढ़ने से ऐसा लगेगा कि आप मेरे मेरे को को रेंट रेंट पे पे दिए दिए हैं पढ़ के ऐसा लगेगा कि आप मेरे को पे और फिर उसी अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि लेकिन जैसे ही थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे वैसे ही वो असेट का ओनरशिप मेरा हो जाएगा राइट right? इस तरह के अग्रीमेंट को बोलते हैं हायर परचेज अग्रीमेंट

एक तरह से लोन का पेमेंट पे कर रहे हैं तीन लाख रुपया का मान लो लोन ले लिए राइट तो अपना अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसा होना चाहिए जो सब्सटेंस ओवर फॉर्म को ध्यान दे मतलब जो रियलिटी है वो दिखाए तो आप अपने बुक्स में अब हम अपने बुक्स में उस असेट को रेंटेड असट नहीं दिखाएंगे मतलब रेंट का खर्चा नहीं दिखाएंगे हम उस अट का ओनरशिप दिखाएंगे कि एज इफ वो मेरा है उस अट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और उसका जो हम पेमेंट करेंगे हम ऐसे पेमेंट करेंगे जैसे हम लोन का, का पेमेंट कर रहे हैं और उसके ऊपर जो हम एक्स्ट्रा थर्टी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंडे जो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं ना उसको हम फाइनेंस कॉस्ट की तरह दिखाएंगे उसको हम रेंट एक्सपेंस की तरह नहीं दिखाएंगे ये क्यों हो रहा है क्योंकि सब्सटेंस ओवर फॉर्म को ध्यान देना है एक और एग्जाम्पल सुनो एक और एग्जाम्पल सुनो जैसे मान लो हम एक बिल्डिंग खरीद रहे हैं बिल्डिंग वो बिल्डिंग हम ऑफिस यूज के लिए खरीद लें ऑफिस यूज के लिए खरीदे बिल्डिंग उसमें हम ऑफिस बना लिए फर्नीचर वगैरह बना लिए मेरे एम्प्लॉइज लोग रहने लग गए पूरा काम वाम चल रहा है वो असेट का ओनरशिप एक तरह से मान लो मेरा नहीं हुआ अभी तक लीगली ओनरशिप मेरा नहीं हुआ बट उसका पोसेशन हम ले चुके उस बिल्डिंग का पोसेशन हम ले चुके उस बिल्डिंग का पूरा पेमेंट सामने वाले को हम कर चुके लेकिन स्टैंप ड्यूटी का कंप्लायंस होने में और बाकी पूरा रजिस्ट्री रजिस्ट्री होने में ना टाइम लगता है राइट right? म्यूनसिपलिटी का जो कंप्लायंस है ना उसको पूरा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है म्यूटेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट होने में राइट right? तो ये जो कंप्लायंस होने में टाइम लग रहा है इसके वजह से क्या हम ये बात बोल सकते हैं ये जो कंप्लायंस होने में टाइम लग रहा है क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि ये असेट अभी तक मेरा नहीं हुआ अगर आप टाइटल डीड देखेंगे अगर आप लीगली देखेंगे इस असेट का ओनरशिप मान लो आप ही के पास रह गया अभी तक लेकिन आप रियलिटी में देखिए हम पूरा पेमेंट कर चुके हैं हम उस असेट का पोसेशन ले चुके हैं उस असेट को हम यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं बस टाइटल डीड में अभी तक रजिस्ट्री का काम होना बाकी है रजिस्ट्री होने में टाइम लग रहा है थोड़ा सा राइट ये जस्ट रिया... आप रियलिटी में देखोगे तो ये असेट मेरा हो गया लीगलिटी में देखोगे तो ये असेट अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ तो रियालिटी ओवर लीगलिटी को ध्यान में रखते हुए सब्सटेंस ओवर फॉर्म को ध्यान में रखते हुए अपने इसको असेट बोल देंगे ये अपना असेट हो गया इसको अपने परचेस सेल का ट्रांजेक्शन की तरह ट्रीट करेंगे दैट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म प्रूड सर क्या हुआ कंजर्वेटिज्म रिकग्नाइज Anticipated ignore anticipated gains materiality kya which can influence the Decision, decision of the financial statement user. Right. तो इस बात को हम एक बार वापस से फटाफट से समराइज कर रहे हैं कि जब आप अपना अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करते हैं तो ऐसा अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करिए कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर दिखे और इस बात के लिए आप सेकेंडरी कंसिडरेशन का सहारा लीजिए सेकेंडरी कंसिडरेशन तीन है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रूडेंट हो मटेरियलिटी को ध्यान में रखता हो और सब्सटेंस ओवर फॉर्म को ध्यान में रखता हो

कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पन किसको बोलते हैं उसके बाद अपने को बताया कि सेलेक्शन कैसे करना है सेलेक्शन ऑफ पॉलिसी कैसे करना है ठीक है यह सारा ज्ञान देने के बाद अब लास्ट बात सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोला बोला डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट यह है मेन ए एस वन ये है मेन ए एस वन बोला डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या डिस्क्लोज करने बोल रहा है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एस वन बोलता है कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करने के लिए जो जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किए हैं ना उसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करिए और एक ही जगह एक साथ सारे अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करिए तो जब आप किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे ना किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे ना तो उसमें देखो आपको क्या दिखेगा आपको फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेटमेंट जहां जहां पे ना, जहां पे स्टार्ट स्टार्ट होगा होगा ना आपको सबसे पहले दिखेगा बैलेंस शीट फिर आपको दिखेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फिर आपको दिखेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट फिर आपको दिखेगा नोट्स टू अकाउंट्स

पहला पार्ट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज दूसरा वाला पार्ट बताओ पहला पार्ट क्या हो गया सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज दूसरा पार्ट हो गया अदर एक्सप्लेनेटरी नोट्स तो अपना जिखना जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा ना उसमें आपको पहले बैलेंस शीट दिखेगा फिर आपको पीएल दिखेगा फिर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखेगा फिर जहां पर नोट्स टू अकाउंट स्टार्ट होगा ना नोट्स टू अकाउंट जहां पर स्टार्ट हो रहा होगा उसमें पहला पेज होगा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी का उस एक पेज में दो पेज में पूरा का पूरा अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज किया हुआ रहेगा कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन का क्या पॉलिसी है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्या पॉलिसी है पीपी मेजरमेंट का क्या पॉलिसी है राइट गवर्नमेंट ग्रांट का क्या पॉलिसी है बोरिंग कॉस्ट का क्या पॉलिसी है एकदम लाइन से एक साथ एक जगह सारा अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करते हैं ये क्यों करते हैं क्योंकि ए एस वन बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन यही बोल रहा है करने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन क्या बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन बोलता है कि द एंटिटी शुड डिस्कलोज ऑल द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज ज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इट शुड बी डिस्कलोज एट वन प्लेस बस इतना बात बोलता है देखो क्या बोला ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्कलोज इन वन प्लेस शुड बी डिस्कलोज इन वन प्लेस एंड सच डिस्कलोजर शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होना चाहिए और एक साथ सारा का सारा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज होना चाहिए ऐसे छितराया हुआ नहीं होना चाहिए एक जगह इन्वेंट्री का वैल्यूएशन का पॉलिसी बता दिए दूसरा जगह रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी बता दिए तीसरा जगह बोरिंग कॉस्ट का पॉलिसी बता दिए ऐसा नहीं एक साथ एक जगह सब कुछ एक साथ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी बताओ और एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ ये अपने को AS1 बोल रहा है अब एक क्वेश्चन आप लोग से है नाउ वन क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल

एनआरबी आपका 450 था 450 था फिर भी आप कॉस्ट में 500 हंड्रेड इन्वेंट्री दिखा दिए इन्वेंट्री का वैल्यूशन 500 दिखा दिए और आपने अकाउंटिंग पॉलिसी में लिख दिया क्या लिख दिया कि द इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली तो ये क्या रेमेडी है फॉर ये डिस्कलोजर कर देना क्या रेमेडी है फॉर रॉन्ग और इन ट्रीटमेंट नो सर नॉट एट ऑल नो एस वन बोलता है डिस्क्लोज करिए एस वन ये कहीं नहीं बोलता कि आप कुछ गलत करिए और फिर उसको भी डिस्क्लोज कर दीजिए आप अगर कुछ गलत किए हैं उसके बारे में आप बता दिए दैट मीन कि वो सही हो गया गलत तो गलत ही है लेकिन हाँ ए एस वन का रिक्वायरमेंट है कि आप डिस्क्लोजर दीजिए तो इसमें सर अपने को मेन क्या क्या बात जानने का था इसमें अपने को पूरे इस ए एस के अंदर में जो जानने का बात था वो ये था कि अकाउंटिंग पॉलिसी किसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाइंग दो प्रिंसिपल्स इसका हम लोग को एग्जाम्पल्स पता है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पन हम लोग को पता चल गया सर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पन क्या होता है हम लोग को यह पता चल गया कि सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे करना है और हम लोग को यह पता चल गया कि डिस्कलोजर का क्या रिक्वायरमेंट है इस पूरे ए के अंदर में अगर आपको ये पांच बात पता है तो आपको ये पूरा ए अच्छे से पता है इससे ज्यादा इस ए में और कुछ नहीं है राइट right? ऑब्वियसली इसके साथ में फिर अपने को कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ता है कुछ क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करना पड़ता है जिससे अपने को एकदम हंड्रेड क्लैरिटी आ जाए ए के बारे में राइट right?